और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर मध्य प्रदेश में आई, आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर। कल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय उज्जैन भारत का सबसे महापूर्व नगर था। देवियों और सजनों, आज मुझे इंदौर उज्जैन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करके बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं मुख्यमंत्री महोदय और उनकी पूरी टीम को इस जो परियोजना के लिए के मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इस सड़क परियोजना से ये ऐतिहासिक तथ्य याद आता है कि लगभग 2000 वर्षों पहले उज्जैन ऐसी परिवहन व्यवस्था के केंद्र में था जिसे आज मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। महाकवि कालिदास ने मेघदूतम में उज्जैन की विशालता और भव्यता का अद्भुत चित्रण किया है और कहते हैं कि जैसे देवलोक में अलकापुरी है, उसी तरह मनुष्य लोक में उज्जैनी है। किसी भी शब्दों का लगातार दो बार प्रयोग करने से वो बचते थे, लेकिन उज्जैनी का वर्णन करते समय वो विशाल विशाल का प्रयोग किए थे। देवियों और स्वजन, मुझे ये बात की प्रसन्नता है कि उज्जैन में आधुनिक विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुर का विकास इसका उदाहरण है। इस उद्योगीपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य में अनेक एक्सप्रेस वे तथा एलिवेटेड कॉरिडोर्स पर काम चल रहा है। रेलवे और एयर कनेक्टिविटी को विकसित किया जा रहा है। इन प्रयासों की सफलता हेतु मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने जनसेवा की अपनी यात्रा स्वच्छता के कार्य से ही शुरू की थी। मैं अपने गृहनगरी नोटिफाइड एरिया काउंसिल की उपाध्यक्ष थी। मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्य का निरीक्षण करती थी तथा सफाई मित्रों एवं अन्य लोगों के साथ परामर्श करती थी। सफाई से जुड़े अच्छे बदलाव को देखकर खुशी महसूस होता था। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इसके कारण व्यापक स्तर पर बदलाव हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन द्वारा हमारे देशवासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है तथा अभूतपूर्व व्यवहार परिवर्तन हुआ है। ये देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच से मुक्ति के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालय तथा लगभग 2.25 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया गया है। महिलाओं की गरिमा और स्वास्थ्य की सुरक्षित रखने के लिए इस जन आंदोलन की विशेष भूमिका है। विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था करने के लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके साक्षरता और शिक्षा में इसीलिए वृद्धि हुई है। एक प्रतिष्ठित आकलन के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में बच्चों की मृत्यु दर भी कमी आई है। ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य के से जुड़े सालाना खर्च में औसतम 50,000 रुपया की कमी आई है। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश ने शहरी और ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। इंदौर ने लगातार 7 बार देश का स्वच्छतम शहर बने रहने का कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भोपाल को सबसे अच्छे राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुई है। राज्यों के अनेक शहर वाटर प्लस और ODF डबल प्लस की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अन्य कई उपलब्धियां हैं, मैंने कुछ ही का यहाँ उल्लेख किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार और राज्यों के सभी निवासियों की सराहना करती हूँ तथा उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों,
स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय का सबसे अधिक श्रेय हमारे सफाई मित्रों को जाता है। हमारे सफाई मित्र अग्रिम पंक्ति के स्वच्छता योद्धा है। वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारी से, गंदगी से, स्वास्थ्य से जुड़े खतरों से वो बचाते हैं। मैं हमारे राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सफाई मित्रों का सम्मान करके वास्तव में हम अपना ही गौरव बढ़ाने हैं। सभी देशवासियों की ओर से मैं प्रत्येक सफाई मित्रों को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी सफाई मित्रों के साथ इस सम्मेलन में भागीदारी करके मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सफाई मित्रों की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण को सुनिश्चित करना सरकार और समाज का महत्वपूर्ण दायित्व है। मेल हॉल को समाप्त करके मशीन हॉल के जरिए सफाई करने की व्यवस्था की जा रही है। सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों के माध्यम से उनके हेल्थ चेकअप की सुविधा प्रदान की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश में अनेक शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। देवियों और सज्जनों, स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के दौरान जो वर्ष 2025 तक चलेगा, हमें संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य पूरा करना है। खुले में शौच से मुक्त रहने की स्थिति को बनाए रखते हुए सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में राष्ट्रीय लक्ष्यों का प्राप्त करना होगा। आगामी गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का अभियान प्रगति पर है। स्वच्छता ही सेवा की भावना के साथ केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पारस्परिक सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन को और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे देशवासी गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करने का संकल्प ले रही है। मुझे आशा है कि गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन के प्रचार तथा इस अभियान के तहत श्रमदान करने हेतु सभी नागरिकों आगे आना चाहिए। ऐसा करके हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छता से जुड़े आदर्शों को कार्य रूप देख पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छता की ओर बढ़ावा गया हमारे एक कदम पूरे देश को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होगा। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ मैं आशा करती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति स्वच्छता ही देश को स्वस्थ बना सकते हैं, विकसित बना सकते हैं। इसी भावना के साथ आगे बढ़े और देश को स्वच्छ बनाए और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के उज्जैन से राष्ट्रपति का स्वच्छता कर्मी सम्मान समारोह में ये संबोधन, जहां पर जिस तरह से जो सिक्स लेन उज्जैन से जुड़ा हुआ है उसका शिलान्यास किया गया, वहां पर साफ तौर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जन भागीदारी और जन आंदोलन से जब आपकी भावनाएं उत्प्रोत होती हैं तो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। और अब खबरों में बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न होने के साथ ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है। राजनीतिक दलों ने अब अगले चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में महारैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद वो कटरा में भी हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री की दोपहर 12 बजे श्रीनगर में महारैली होगी। प्रधानमंत्री श्रीनगर में अपनी महारैली से दूसरे और तीसरे चरण में पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगेंगे। श्रीनगर में चुनाव प्रचार के बाद प्रधानमंत्री कटरा में भी
जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर में महारैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो कटरा में भी हुंकार भरेंगे। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच होने के लिए उत्सुक हूँ। श्रीनगर और कटरा में एक रैली को संबोधित करूंगा। कल के मतदान ने दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनावों को लेकर बहुत उत्साहित हैं और चुनाव प्रक्रिया को जीवंत बनाने के लिए उत्सुक भी। आज मैं अपने विकास एजेंडे के बारे में बात करूंगा और लोगों का आशीर्वाद मांगूंगा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज रोहतक में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नड्डा पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। नड्डा के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र को लेकर पहले कमेटी का गठन किया, इसमें लोगों के सुझावों को भी शामिल किया गया। इस संकल्प पत्र में भाजपा का फोकस महिलाओं और किसानों के अलावा व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों पर रह सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। नड्डा ने पीएम मोदी को खड़गे द्वारा लिखे गए पत्र का जवाब दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे के पत्र में लिखी गई बातें सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए या जानबूझकर नजरअंदाज किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का इतिहास ही देश के प्रधानमंत्री सहित पूरे ओबीसी समुदाय को चोर कहकर गाली देने का रहा हो, देश के प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का रहा हो, जिसने संसद में देश के प्रधानमंत्री को डंडे से पीटने की बात कही हो, जिसकी दृष्ट मानसिकता से पूरा देश वाकिफ हो, उस राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश आप किस मजबूरी के चलते कर रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी ही थी जिन्होंने खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयानों का तो आप और आपकी पार्टी के नेता महामंडन करते रहे। आपने पत्र में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कॉपी पेस्ट करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 100 दिनों में की गई पहलों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के पहले 100 दिनों में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई कदम उठाए गए, जिससे देश की सहकारी व्यवस्था को नई गति और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन में इन पहलों पर चर्चा की जाएगी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर आज नई दिल्ली में संसद भवन के एनेक्सी में संयुक्त समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधि विधेयक पर मौखिक साक्ष्य दर्ज करेंगे। इसके अलावा समिति चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पसमांदा मुस्लिम जहाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों के सुझावों पर भी विचार करेगी। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संगठनों ने भी अपने विचार प्रस्तुत करने का कार्यक्रम है। आपको बताएं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18 सितंबर को आयोजित होनी थी, जो तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई थी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल पर कहा कि हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल है, फिर भी हमने सर्व सहमति के लिए जेपीसी बनाई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में वक्फ जायदाद है जिसका इस्तेमाल गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए होना चाहिए। जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने वक्फ बिल के पारित करने की बात कही है। हमारे पास लोकसभा राज्यसभा में संख्या है, फिर भी हमने जेपीसी बनाया, तो
ताकि और लोग उसमें अपना बात रख सकें। अब जेपीसी का आएंगे रिपोर्ट, रिकमेंडेशन आएंगे, हम तो पारित करेंगे। हम चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, वो गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं बच्चों के लिए काम में आना चाहिए। उम्मीद है कि जल्दी पारित होगा ये रिपोर्ट आने के बाद, अगले सत्र में या फिर जल्दी से पारित करना पड़ेगा, नहीं तो इतना गरीब मुसलमानों का आपका हालत देखिए, उनके काम में अगर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं आता है तो सरकार को तो कदम उठाना चाहिए। आप नेता आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए टल गई है। आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई, उनके वकील ने सुनवाई टालने का आग्रह किया। वकील का मानना था कि आतिशी के व्यस्त स्केड्यूल के चलते वो उससे मीटिंग नहीं कर पाए और अभी बहस के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि केस में आरोप लगाया गया कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जिसके चलते पार्टी की छवि खराब हुई है। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने YSRCP पर बड़ा आरोप लगाया। NDA विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए CM नायडू ने कहा कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घी के बजाय जानवरों की चर्बी से बने तेल का इस्तेमाल होता था। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि अब प्रसाद बनाने में शुद्ध घी का उपयोग किया जा रहा है। मंदिर में हर चीज़ को साफ कर दिया गया, जिसने गुणवत्ता में सुधार हुआ। CM नायडू ने इस आरोप के बाद प्रदेश में सियासी वार पलटवार देखने को मिल रहा है। तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो राष्ट्रोद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। और तो और, केरल की सरकार, बंगाल की सरकार और जगनमोहन रेड्डी की सरकार जब तक थी, तब तक गैर हिंदुओं को मंदिरों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में नौकरी के अवसर ढूंढने का काम करती थी। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। कनाडा में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के मामले में NIA लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी मामले में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी 5 जगहों पर छापेमारी भी कर रही है। कुछ दिन पहले NIA ने देश भर में 13 जगहों पर इस केस को लेकर छापे मारे थे, जहां से तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। NIA की टीमों ने अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, तरनतारन और मोगा जिले में ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये सभी जगह आरोपी खालिस्तानी नेता अमरजोत और उसके साथियों से जुड़े बताए जा रहे हैं। बिहार के गया में JDU नेता और पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के घर पर आज NIA ने छापा मारा। मनोरमा देवी के घर में सुबह से ही तलाशी जारी है। जानकारी के अनुसार नक्सली गतिविधियों से जुड़े मामले में टीम कार्रवाई कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर सवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 19 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में 90 से अधिक देश, 26 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ 18 केंद्रीय मंत्रालय और संबंध सरकारी निकाय भाग लेंगे।
चार दिवसीय इस वैश्विक कार्यक्रम में देश विदेश के बड़े निवेशकों से जुड़ने और अपने इनोवेशन का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। साथ ही भारत के क्षेत्रीय व्यंजनों का अद्भुत संगम भी देखने को मिलेगा। और अब बात स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ी हुई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह अभियान न केवल मुंबई बल्कि पूरे देश में बहुत सफल हुआ। प्रधानमंत्री ने के जन्मदिन पर शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वर्धा का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेश के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। देखिए उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे, जहां इस योजना के लाभार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का आयोजन वर्धा में 20 सितंबर 12 बजे फाइनल हुआ है। उस कार्यक्रम की मुख्य थीम है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम जो कि लॉन्च हुई थी पिछले साल, उसका सेलिब्रेशन करना, सक्सेस सेलिब्रेशन करना। तो उसमें एक तो पीएम विश्वकर्मा स्कीम रहेगी, उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क का अमरावती में हो रहा आवरण, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना, आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट सेंटर उसका अनावरण, ये कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना था। हस्तनिर्मित कलाकारियों और शिल्पकार के लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन कोविड-19 के बाद यहाँ पे जो पारंपरिक रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, उनके सामने कई मोर्चे पर चुनौतियाँ आ गई। एक तो तकनीक में जिस तरीके से बदलाव आया, वो उनके सामने एक चुनौती पेश किया, क्योंकि बाजार में सर्वाइव करना एक बड़ी चुनौती उनके लिए बन गई। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद फाइनेंशियल मोर्चे पे, जो आर्थिक मोर्चा था, उस पे भी उनको काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में उनके लिए राहत लेकर आया ये पीएम विश्वकर्मा योजना, और इस योजना के आने के बाद एक तरीके से कहे तो पूरा माहौल जो है वो बदला, और जो इन लोगों की जो मदद होनी चाहिए थी वो मदद बहुत हद तक हो पाई। ये योजना जो कारीगरों को विशेष ऋण कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित और बाजार लिंकेज सहायता प्रदान करती है, 18 ट्रेंडों को कवर करती है। वर्धा में कारीगर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे वर्धा में आने वाले हैं, वहाँ पे हम जाने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं, जो कुछ उनका हमको बताएंगे उस उनको हम बहुत अच्छा लगने वाला है कि हमारे वर्धा में आ रहे हैं, हमको खुशी है। और वो पीएम विश्वकर्मा लाभ के लिए लोगों के मिलने आ रहे खुद के लिए, इसलिए हम वहाँ पे जरूर जाएंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने जो विश्वकर्मा योजना निकाली है, निश्चित इस योजना का फायदा हमारे समाज के युवा वर्ग को होगा। इस योजना को लेकर के हमारे समाज में एक खुशी की लहर आई है, और नए युवा वर्ग में अपने पारंपरिक व्यवसाय के प्रति भावना जागृत हुई है। भारत में इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुल 20,44,377 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें से 1,11,861 महाराष्ट्र से हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान होने वाले स्वदेशी आंदोलन को वर्धा ने काफ़ी करीब से देखा है, क्योंकि कई सारी बैठकें यहीं पे सेवाग्राम में हुआ करती थी। अब ऐसे समय में जब देश स्वदेशी आंदोलन के दूसरे फोरम को एक तरीके से देख रहा है, जिसमें कि मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, सेल्फ लैंड इंडिया जैसे कि योजनाएँ जो अब कैंपेन है वो चलाए जा रहे हैं, ऐसे समय में भारतीय कारीगरों शिल्पकारों को समर्पित योजना
जो है उसकी पहली वर्षगांठ जो है पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ जो है वो वर्धा देखेगा निश्चित तौर पर। यह केवल वर्धा के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन होगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ में विश्वकुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। कोलकाता के दुष्कर्म और हत्या मामले में पूछताछ के लिए युवा सीपीआईएम नेता मीनाक्षी मुखर्जी को गवाह के तौर पर बुलाया गया है। मुखर्जी को आज सुबह 11 बजे तक कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में स्थित सीबीआई के सॉल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। मीनाक्षी मुखर्जी उन चंद लोगों में से एक थी जिन्होंने घटना के दिन पीड़िता के माता पिता से बातचीत की थी। स्वच्छ भारत अभियान विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का अभियान है जिसे विश्व भर में सराहा गया। देश में स्वच्छता ही सेवा मुहिम भी जारी है। इस बीच नई दिल्ली में 8वां भारत जल सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है, जहां पेयजल और स्वच्छता विभाग की कोशिश है कि स्वच्छता आम जन का विषय बने और भावी पीढ़ी स्वच्छता के महाअभियान की अगुवाई करे। इसे लेकर स्कूली विद्यार्थियों से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो यहाँ पर आए हैं स्टॉल को देखने के लिए। बेटा क्या देखा आपने और क्या समझा? हम देख सकते हैं कि ये एक स्वच्छ सुजल गांव है और यहाँ पर जल की स्वच्छता वो रखने के लिए कई सारे प्रबंधन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम है, फीकल मैटर सेग्रीगेशन सिस्टम है, उधर जैसे कि एक इज्जत घर नामक वो है तो उसमें ट्विन पिट सिस्टम का यूज़ हो रहा है, जिससे जो कि फीकल मैटर होता है उसको दो पिट्स में बांट दिया जाता है ताकि वो एक खाद में तब्दील हो जाए। और इधर सोना खाद दिखा रखा है, तो वो जब खाद में तब्दील हो जाता है तो उसका खेती वगैरह में प्रयोग किया जा सकता है। जल स्वच्छता पे खास ध्यान दिया गया है, हम देख सकते हैं अलग अलग जगह पे हमें पानी के ट्रीटमेंट प्लांट्स दिए गए हैं, पानी को साफ पानी सबके घर तक पहुंचाने की कोशिश करी गई है, सबके घरों में एक स्टोरेज टैंक का प्रबंध है ताकि किसी को पानी की कमी भी ना हो। गांव में जैसे बच्चियां होती थी उनको दूर दूर जाना पड़ता था शौचालय के लिए, फिर रात का वेट करना पड़ता था, अब आप देख रहे हैं इज्जत घर बन रहे हैं, शौचालय बन रहे हैं, तो महिलाओं के लिए कितना फ़ायदा आप देखते हैं गाँव की? सर महिलाओं के लिए दो तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। एक कि उनको जो इतना चल के जाना पड़ता था और जो सेंसिटिव उनकी पूरी बॉडी रहती है उस पर बहुत सी चीज़ें रिएक्ट कर सकती थी, तो वो अब नहीं हो पा रहा है। क्लीन यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों का सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। साइंस और इन्वेंशन से ध्यान दिया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को साथ में इंटीग्रेट करके कैसे काम कर सकते हैं। स्वच्छता को लेकर आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? स्वच्छता से जो इंडिया में डिफरेंस आया है स्वच्छता पखवाड़ा वगैरह से, इससे स्कूलों में और बच्चों को और जो सोसाइटीज़ हैं उनमें अवेयरनेस आया है कि हमें इट्स हाई टाइम कि हम अवेयर हो एंड अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। तो आपने देखा कि महिलाओं की बात हो या फिर स्टूडेंट्स की बात हो या फिर जो तमाम छात्र हैं वो भी मानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का एक जो मुहिम है वो लगातार आगे तो बढ़ रही है, लेकिन व्यवहार परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है स्वच्छ भारत अभियान बना है। और ये जो भावी पीढ़ी है ये भी कोशिश कर रही है कि अब इस अभियान को जन आंदोलन में बदला जाए और आगे बढ़कर ये लोग भी जो हैं वो स्वच्छता को लेकर के जनजागरण फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से स्वच्छता को लेकर के तमाम जो नई टेक्नोलॉजी हैं वो भी आ रही हैं और हम लोगों को भी किस प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट करना है। कैमरामैन अनिल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मतदाताओं ने केंद्र की मोदी कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई। मतदाताओं ने इसे सरकार की दूरगामी सोच वाला बताया, साथ ही कहा कि इस पहल से देश के धन और समय की बर्बादी दोनों में कमी आएगी। धरातल पे ये फायदा होगा कि एक देश एक चुनाव, एक तो लाखों करोड़ों रुपए जो खर्च हो जाते हैं हर बार जो, और अलग अलग विधानसभाओं में चुनाव होते हैं, समय खराब होता है, तो पैसे की बचत होगी, उस पैसे से जनता का भला होगा, कोई नई योजनाओं में लगेगा। इस फैसले को जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए जो देश हित में होगा। मोदी सरकार जी ने जो फैसला लिया है एक देश एक चुनाव का, ये स्वागत योग्य है और इस एक देश एक चुनाव को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। बार बार से जो चुनाव होते हैं विधानसभा लोकसभा, इससे बहुत कामकाज सरकारी प्रभावित होते हैं और आम जनता को भी फायदा होगा। इससे करोड़ों रुपए जो बार बार चुनाव से जो खर्च होते हैं उनके भी फायदा मिलेगा। एक देश एक चुनाव वाली प्रक्रिया अपने देश में होती है तो उसके कई फायदे होंगे। एक तो बार बार चुनाव पर जो खर्च होता है, खर्च होने की वजह से महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट के ऊपर अत्यधिक लोड पड़ता है तो कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ते हैं, उनसे राहत मिलेगी
और कोई भी गवर्नमेंट बनती है और कहीं यहाँ इस राज्य में चुनाव, उस राज्य में चुनाव, तो ये अच्छे फैसले सरकार लेना भी चाह रही है तो वो चुनाव के दबाव के कारण अच्छे फैसले, कठोर फैसले नहीं ले पाती। इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार जो है ना देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, उसी की कड़ी में ये एक फैसला है और यदि ये आता है तो ये भारत देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हम सब इसका स्वागत करते हैं। चुनाव से ये फायदा होगा कि आम जनता को बार बार चुनाव से राहत मिलेगी। एक बार में चुनाव होंगे तो 5 साल में बार बार जनता चुनाव की उससे दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। एक बार में चुनाव करके सरकार बन जाएगी। नागरिकों को ये लाभ मिलेगा कि बार बार चुनाव की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और धरातल पर ये फायदा होगा कि आपको एक स्थायी सरकार मिलेगी। सरकार ने 18 वर्ष से कम बच्चों को ध्यान में रखते हुए NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। इससे एक बहुआयामी योजना के रूप में देखा जा रहा है जिससे बच्चों का भविष्य सुधारने से अभिभावकों को भी आसानी होगी। इस योजना को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 18 वर्ष से कम बच्चों को ध्यान में रखते हुए NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के शुभारंभ में वर्चुअल माध्यम से जोधपुर के लोडली देजरगा स्थित सत्य भारती स्कूल के विद्यार्थी भी जुड़े। कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके माता पिता ने भी हिस्सा लिया। अभिभावकों का मानना है कि ये योजना उनके बच्चों के सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए है। 18 साल से छोटे बच्चों के लिए NPS वात्सल्य के नाम से भारत सरकार ने स्कीम निकाली है। इसमें मिनिमम 1000 रुपया साल का और मैक्सिमम पैसे की कोई लिमिट है, इतना पैसा जमा कर सकते हैं बच्चे। पहले तो बड़ों के लिए होती थी लेकिन आज बच्चों के लिए योजना बनाई है जिससे बच्चे जब 18 साल तक होते हैं तब उस खाते में वो पैसे जमा करवा सकते हैं। 18 साल से कम वाले बच्चे भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें खाता 1000 रुपए से खुलना स्टार्ट होता है कि बड़ा होने के बाद उन्हें वो पैसे ब्याज के साथ मिल सकते हैं और अगर बीच में उन्हें कोई बीमारी या स्कूल के फीस के कारण वो अपना पैसे बीच में निकाल सकते हैं। NPS वात्सल्य योजना के शुभारंभ कार्यक्रम कोटा में भी किया गया जिसमें बैंक के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ साथ आमजन ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। योजना के लाभार्थियों का मानना है कि इससे बच्चों का भविष्य सुधारने में अभिभावकों को आसानी होगी। बच्चों के लिए हम सेविंग कर सकते हैं। ये 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए लागू है। 1000 रुपये मिनिमम इसमें कम से कम योगदान राशि है और मैक्सिमम राशि की कोई सीमा नहीं है। तो मैंने भी अपनी बच्ची के लिए एक ऐसा अकाउंट खुलवाया है जिसमें आपको NPS के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिटर्न के ही फायदे मिलते हैं। भारत सरकार की ये बहुत अच्छी योजना शुरू हुई है जिसमें बच्चे को जो पैसे परिवार से उनके दादा दादी नाना नानी मामा से जो मिलते हैं उसका वो सेविंग करेंगे। इस अवसर पर लखीमपुर खीरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में सजीव प्रसारण का जानकारियां दी गईं। इस अवसर पर स्थानीय बैंकिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएँ साथ ही स्थानीय लोग भी उपस्थित थे। बच्चा छोटेपन से ही बचत की आदत डालेगा और उसे पता होगा कि धन का महत्व क्या है। जब वो वयस्क होगा तो अपने हिसाब से उसमें वो फंड 3 फंड है चुन सकेगा और जब वो प्रौढ़ होगा तो उसको किसी के आश्रित नहीं होना होगा। मैं फ़ोन में देख रहा था तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा तो फिर मुझे अच्छी लगी योजना। फिर मैंने इसके बारे में घर वालों को बताया, उसके बाद घर वालों ने मेरा तुरंत बैंक में अकाउंट खुलवाया। चंडीगढ़ में गवर्नमेंट ITI कॉलेज और न्यू पब्लिक स्कूल में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लाभार्थियों का कहना है कि ये योजना एक बहुआयामी योजना है, इससे बच्चों का भविष्य सुधारने में पेरेंट्स को आसानी होगी। और आज हमारे ITI इसमें लाइव स्ट्रीम हुई थी जिसके बाद हमें मतलब NPS वात्सल्य योजना के बारे में बताया गया। वो योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी NPS वात्सल्य योजना बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाई गई है। इसमें जमा पूंजी अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य को निखारने में, पढ़ने वाली जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में तेज बारिश की आशंका जताई है। 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में भी तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गर्म और आर्द्र मौसम रहने का अनुमान जताया। विभाग ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान कोंकण और गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस बीच दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह हुई बारिश से यातायात पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। 2 दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में
ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती का फैसला लिया गया। चार साल के बाद फेडरल रिजर्व ने जेरोम पॉवेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया। बैठक में कुल 12 सदस्यों में से 11 वोट इसके पक्ष में पड़े। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती का फैसला लिया और इस कटौती का असर दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है। Market Committee decided to reduce the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a half percentage point. This decision reflects our growing confidence that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the labor market can be maintained in a context of moderate growth and inflation moving sustainably down to 2%. As inflation has declined and the labor market has cooled, the upside risks to inflation have diminished and the downside risks to employment have increased. We now see the risks to achieving our employment and inflation goals as roughly in balance. And we are attentive to the risks to both sides of our dual mandate. और अमेरिकी फेड के फैसले के बाद प्रमुख भारतीय बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में जोरदार तेजी देखी गई। शुरुआती दौर की अगर बात की जाए तो 30 शेयर वाला सेंसेक्स 700 अंकों की बढ़त के साथ नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी भी पहली बार 25,500 का स्तर पार करने में सफल रहा। सरकार ने सहारा समूह सहकारी समितियों के छोटे जमाकर्ताओं के लिए वापस की जाने वाली राशि की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। सरकार ने अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए। अधिकारी ने कहा कि रिफंड राशि की जमा 50,000 रुपए तक बढ़ने के अगले 10 दिन में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सहारा समूह की चार बहुराज्यीय सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि की वापसी के दावे प्रस्तुत करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल 18 जुलाई 2023 को पेश किया गया। न्यायालय के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत 19 मई 2023 की सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक CRCS को अंतरित कर दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। ये 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था का आकार आसानी से दोगुना कर सकती है। पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 2026-27 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। सुब्रमण्यम ने कहा कि वर्तमान में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका आकार करीब $3,700 अरब का है। भारत का पहले ही काफ़ी महत्व है और 2047 तक वैश्विक मामलों में इसका और भी अधिक महत्व हो जाएगा। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं।